की बड़ी खबर आपको बता दें कि नवनीत राणा ने खुद पर हुए हमले पर अब रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम खल्लर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे और हूटिंग करना शुरू कर दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैंने इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उन्होंने नारे लगाने भी शुरू कर दिए। कुछ देर बाद उन्होंने कुर्सियां फेंकना शुरू किया। इसके साथ ही नवनीत राणा ने दावा किया कि मुझ पर थूका भी गया, लेकिन वो एक सुरक्षा कर्मी की वर्दी पर जा गिरा। इसके साथ ही नवनीत राणा ने चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अमरावती का पूरा हिंदू समुदाय यहां इकट्ठा हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नवनीत राणा ने खुद पर हुए हमले पर अब रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम खल्लर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे और हूटिंग करना शुरू कर दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैंने इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उन्होंने नारे लगाने भी शुरू कर दिए। कुछ देर बाद उन्होंने कुर्सियां फेंकना शुरू किया। इसके साथ ही नवनीत राणा ने दावा किया कि मुझ पर थूका भी गया, लेकिन वो एक सुरक्षा कर्मी की वर्दी पर जा गिरा। इसके साथ ही नवनीत राणा ने चेतावनी भी दी कि अगर जल्द ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अमरावती का पूरा हिंदू समुदाय यहाँ इकट्ठा हो जाएगा।